हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 13 वर्षों बाद ये जो दुर्लभ योग बनने वाला है ये कौन सा योग है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि ये योग बहुत कम देखने को मिलता है। 13 वर्ष पहले बना था, अब 13 वर्ष बाद बना है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा 13 अप्रैल से 14 मई, 13 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य अपना राज परिवर्तन करेंगे और ये राज परिवर्तन बहुत विशेष है। अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। ये मेष राशि मंगल की राशि है और ये विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रिय दर्शकों, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी गोचर करेंगे, तो इससे बड़ा ही दिव्य राज लक्षण योग का निर्माण हो जाएगा जो कि 1 मई तक रहने वाला है। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राज परिवर्तन करेंगे, परंतु इसके अलावा और भी कुछ योग बनने जा रहे हैं। एक वैभव योग भी बनेगा जो कि शुक्र 24 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, तो इससे वैभव योग का निर्माण हो जाएगा और गुरु घंटाल योग का भी निर्माण हो जाएगा। और 10 मई को बुध अपना राज परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, तो 10 मई से बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये लगभग 4 योग बनने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राज लक्षण योग और सूर्य का ये परिवर्तन बहुत विशेष इसलिए भी हो जाता है प्रिय दर्शकों, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, व्यापारियों के लिए व्यापार के कारक हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर व्यक्ति के लिए। आइए समझते हैं सूर्य आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आरोग्यता प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और सबसे विशेष जो कि हर व्यक्ति जानता है कि आप अपने घर में यदि लाइट यूज़ करते हैं, बिजली यूज करते हैं, तो उसका समय समय पर आपको बिल भी देना पड़ता है और यदि आपने बिल नहीं दिया तो आपका मीटर भी कट जाता है। परंतु भगवान भुवन भास्कर हमेशा आपको प्रकाश देते हैं, हमेशा ऊर्जा देते हैं, पर उनका कभी भी कोई भी बिल आपको नहीं चुकाना पड़ता है, ना तो आपका मीटर कटता है। तो ऐसे भगवान सूर्य अब अपना राज परिवर्तन करेंगे। तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, दाम्पत्य जीवन में आए दिन वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ था, तो अब ये दूर होगा और ये व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि आपके व्यापार के अधिपति आपके धन भाव में गए हैं, जिससे आपको विशेष लाभ इस समय व्यापार में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और उन लोगों के लिए बहुत विशेष होगा जो पैतृक व्यापार करते हैं, आप अपने पिता के साथ मिलकर व्यापार करते हैं या आपके पिता का व्यापार पहले से था उसे आप संभाल रहे हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा विशेष स्थिति बनेगी और धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। और जिनके घर में कलह का माहौल बना था, वाद विवाद बना हुआ था, अब वो भी काफ़ी हद तक दूर होगा। आपके वाणी में ओजस्वता आएगी, तेजस्वता आएगी, जिससे आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे। जो लोग पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में फंसे हुए थे उनको भी इस समय अब राहत देखने को मिलने वाली है और साथ में आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा गंभीर रोगों से घिरे हुए थे, खासकर वो रोग जो बहुत समय से आपको परेशान किए हुए हैं, उनसे आपको यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। और जो लोग अस्थायी रूप से अपने धन को स्थिर करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे पैसा तो बहुत सारा आता है, लाखों करोड़ों रुपए आता है, पर वो टिकता नहीं है। तो ये समय होगा जिस समय धन अस्थायी होगा, तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे प्रिय दर्शकों। परंतु सावधानियाँ भी कुछ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 7.5 का प्रभाव है और शनिदेव की दृष्टि भी इस राजयोग पर है, जिसकी वजह से ये जो राजयोग हैं इनमें थोड़ा कमी आ सकती है। तो आपको जैसे मैंने बताया
कि आपके वाणी से लोग प्रभावित तो होंगे, परंतु वहाँ पर एक होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, यानी कि जो सही हो वो तर्क आप कर रहे हैं। एक होता है कुतर्क, अर्थात आप जानते हैं कि ये सही है फिर भी आप विपरीत बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। तो आपको इसको समझना होगा कि जिससे बात कर रहे हैं तो सामने वाले से वही बात करें जो कि उचित हो। ऐसा नहीं कि आप बात कुछ है और आप घुमा फिरा के कुछ कर रहे हैं। बात में अहंकार नहीं होना चाहिए, बात वो होनी चाहिए जो सही है, इस बात का ध्यान रखिए। झूठ बोलने से आपको बचना होगा, मांस मदिरा शराब आदि इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। और आपको विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी बरतें और झूठ का सहारा ना लें, गलत रास्तों का सहारा, शॉर्टकट का सहारा बिल्कुल भी ना लें। यदि ऐसा करते हैं कि आप गलत रास्ते में चलते हैं तो बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रिय दर्शकों उपाय की। तो एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और विशेष रूप से अपने विपरीत का सम्मान करिए और अपने वाणी को संयमित रखिए। और उपाय की हम विशेष रूप से बात करें तो भगवान गणपति की आराधना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। भगवान गणपति के जो भी मंत्र बनते हों, या तो गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ कर सकते हैं, और गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ में एक बहुत विशेष होता है, लाजा होता है जो शादियों में प्रयोग होता है, उससे भगवान गणपति का अर्चन कर सकते हैं, तो इससे और भी लाभ आपको मिलेंगे। या तो ये ना कर पाएँ तो, क्योंकि कई बार नहीं मिल पाता है, तो आप दुर्वा जो है तो एक एक दुर्वा चढ़ाते जाएँ और गणेश अथर्वशीर्ष के एक एक मंत्र बोलते जाएं। तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें, नहीं तो कम से कम एक गणेश अथर्वशीर्ष से पाठ करें या तो दुर्वा चढ़ाएं। तो ये करें, इससे आपको और भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। कमेंट में ओम गंगड़ पते नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।